दोस्तों जो नई वाली स्कॉर्पियो एन है उसका प्राइस काफी सही लगा, लेकिन दोस्तों आज हम देखेंगे इसके लुक्स को और इसके इंटीरियर के थोड़े बहुत फीचर्स को जो कि आपने नोटिस नहीं करे होंगे वैसे। जिसमें सामने इस गाड़ी में आपको बढ़िया लुक्स मिलती है, जिसमें आपको 6 लाट वाली ग्रिल मिलती है और बीच में आपको नया वाला जो महिंद्रा का लोगो है वो आपको मिलता है, और उसके नीचे इस गाड़ी में आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। इस गाड़ी में आपको फ्रंट कैमरा मिलता है, रियर कैमरा मिलता है, आपको साइड में कैमराज नहीं मिलते, तो इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता प्रॉपर। फिर अगर आप इसकी हेडलाइट देखें तो आपको डुअल पार्ट वाली मिलती है, जिसमें आपको एक में हाई बीम मिलती है, एक आपको वाइड भी मिलती है, और उसके नीचे आपको डायरेक्शनल इंडिकेटर मिलता है। और दोस्तों अगर आप गौर से देखें तो इस गाड़ी की जो सामने वाली लाइट है वो 2012-13 वाली जो लैंड क्रूजर है उसके फॉर्मेट में थोड़ी बहुत लगती है, जो कि आपके सामने आ रही होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कॉपी है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि थोड़े इंस्पायर्ड है महिंद्रा उस वाली गाड़ी से इस गाड़ी के लुक्स को बनाने में, जो कि आपको आगे दिखाने वाला हूँ। फिर दोस्तों जो इसका बंपर है उसमें आपको बीच में ब्लैक पार्ट मिलता है, साइड में आपको 2 फॉग लैंप की हाउसिंग मिलती है, जिसमें आपको एक तो सी शेप वाले डीआरएल्स मिलते हैं, साथ ही में आपको उसके साइड में हाई बीम एलईडी मिलती है, जो कि बहुत ही सही है। और मेरे ख्याल से इस गाड़ी के जो फॉग लैंप है वो XUV700 से ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसके नॉर्मल बल्ब है एलईडी वाले, लेकिन इसमें आपको डीआरएल मिलते हैं और आपको एलईडी मिलती है, जो कि और बढ़िया लगती है। साथ ही में जो इसके फॉग लैंप है उसके साइड में आपको 2 एयर कर्टन मिलते हैं, जो कि आजकल काफी सारी कार्स में आ रहे हैं, जिससे बढ़िया बढ़िया जो हवा है इसके ऐसे बंपर को काटते हुए एकदम इस गाड़ी को एरोडायनामिक बनाते हुए ऐसे बढ़िया आर पार होती है। और साथ ही में अगर आप देखें तो इसके बंपर के लोअर वाले पार्ट में आपको ग्रे कलर की स्किड प्लेट मिलती है, और जो इस गाड़ी का बोनेट है एकदम सीधा है और काफी कुछ इसमें आपको क्रीज मिलती है, जैसे एक लैंड क्रूजर में आती है और आपके सामने लैंड क्रूजर आ रही है और एक नई वाली स्कॉर्पियो एन आ रही है, और काफी कुछ आपको लग नहीं रहा कि जो स्कॉर्पियो एन है काफी कुछ सिमिलर लग रही है अगर आप इसे लैंड क्रूजर से कंपेयर करें। तो भाई बढ़िया चीज है, आपको 20 लाख के प्राइस में या फिर उससे भी कम में 12-13 लाख के प्राइस में आपको 2 करोड़ की एसयूवी वाला मजा मिल रहा है, तो भाई जिंदगी से और क्या चाहिए भाई। साइड में दोस्तों इस गाड़ी में आपको बढ़िया लुक्स मिलती है, जो कि एकदम बॉक्सी वाली है, जिसमें आपको 2 डिफरेंट इसमें व्हील ऑप्शन मिलते हैं, एक तो 17 इंच वाले है अगर आप इसकी नॉर्मल मैनुअल वाली ट्रांसमिशन लेते हैं, और आपको 18 इंच वाले मिलने वाले हैं अगर आप इसकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं, और दोनों काफी सही लग रहे हैं। और ये महिंद्रा ने वैसे वाली हायरार्की करी है जैसे टोयोटा अपनी फॉर्च्यूनर में करते हैं, जिसमें 4x4 में आपको 18 इंच के मिलते हैं और 4x2 में आपको 17 इंच के मिलते हैं। और दोस्तों इस गाड़ी में बेनिफिट क्या है कि जो इसकी व्हील आर्च है काफी ज्यादा बड़े हैं, और जो इसका व्हील है और जो व्हील आर्च है उसमें काफी ज्यादा गैप है, तो अगर आपको इस गाड़ी में मोटे वाले टायर डलवाने हैं आप डलवा सकते हैं काफी आसानी से, जो कि आपको XUV700 में नहीं मिलता, क्योंकि इसमें जो गैप है काफी कम है, क्योंकि XUV700 थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। साथ ही में जो इस गाड़ी की व्हील आर्च है उसके ऊपर आपको क्रीज ही मिलती है, जो कि सही लगती है। जो इसके डोर हैंडल है उसमें आपको बीच वाले पार्ट में क्रोम मिलता है, और जो सामने के इसके डोर हैंडल है उसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलती है, तो वो काफी सही चीज है। जो इसकी विंडोज है काफी कुछ स्क्वेयर्ड ऑफ है, और जो इसके दरवाजे हैं वो भी स्क्वेयर्ड ऑफ है, और जो इसकी विंडोज है उसके नीचे आपको क्रोम की विंडो लाइन मिलती है, जो कि ऐसे नीचे जाते हुए ऐसे कर्व होके इसके जो थर्ड वाला ग्लास है उसके ऊपर तक जाती है, और जो इसका थर्ड वाला ग्लास है उसके पीछे आपको छोटा सा बैच मिलता है एड्रीनॉक्स का, जो कि XUV700 में भी आता है। अगर आप इसके छत पे देखें तो उसमें आपको बहुत ही बढ़िया वाले रूफ रेल्स मिलते हैं, जो कि एकदम ऐसे सिल्वर फिनिश के हैं और एकदम ऐसे फंक्शनल वाले, ऐसे सिर्फ चिपका नहीं रखे प्लास्टिक के टुकड़े, उसमें आप कुछ भी सामान लगा सकते हैं और ढो सकते हैं इस गाड़ी में, जो कि मेरे ख्याल से काफी सही है और काफी प्रैक्टिकल है। और साथ ही में अगर आप देखें जो इसके दरवाजे हैं उसके नीचे आपको परमानेंट कंपनी से मिला हुआ फुटस्टेप मिलते हैं, जिससे इस गाड़ी में चढ़ना काफी आसान होगा, और वैसे भी जो गाड़ी है उसमें आपको काफी सही हाइट मिलती है, और ये जो इसका फुटस्टेप है उसको लगाने से थोड़ी और माचो लगने वाली है गाड़ी और थोड़ी और बढ़िया लगने वाली है। और दोस्तों मुझे थोड़ी एक कमी लग रही है इस गाड़ी के साइड में, जिसमें जो लुक्स है बहुत बढ़िया है भाई, उसमें कोई कमी नहीं है, बस मुझे प्रॉब्लम क्या लग रही है कि जो इसका पीछे वाला थर्ड ग्लास है थोड़ा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा कम चौड़ा है एज कम्पेयर टू जितना होना चाहिए था। अगर इस गाड़ी की लेंथ थोड़ी और ज्यादा होती तो कितनी और बढ़िया लगती है गाड़ी। और दोस्तों पीछे से हमारी वैगनार की लुक्स कुछ ऐसी है, मतलब सॉरी हमारी स्कॉर्पियो एन की लुक्स कुछ ऐसी है, जिसमें आपको लंबी वाली टेलर्स मिलती है जैसी वैगनार में आपको मिलती है या फिर आपको वॉल्वो की कार्स में मिलती है। और जो महिंद्रा के इस वाली गाड़ी के डिजाइनर है जिनका नाम है प्रताप बोस, उनसे एक मीडिया रिपोर्टर ने पूछा कि ऐसे लाइट्स के बारे में पूछा, तो वो कह रही है एंड यस ब्रिंग द डीएनए ऑफ द वर्टिकल टॉल लैंप दैट वी ब्रॉट इन 20 इयर्स अगो, सो यू नो सम स्कैंडिनेवियंस कि जो वॉल्वो है उन्होंने इस कंपनी से कॉपी करा है, तो ये जो उन्होंने चीज बोली है मेरे ख्याल से थोड़ी कम सही है, क्योंकि वॉल्वो में पहले से आ रहा था। और बाकी आपको इस गाड़ी में पीछे एक बहुत ही बड़ा वाला स्पॉइलर मिलता है, जिसमें आपको ब्रेक लाइट मिलती है, जिसकी डिक्की है उसके लिए आपको एक नॉर्मल डोर हैंडल मिलता है जैसे आपको सामने मिलता है, जिसमें आपको क्रोम की लाइनिंग मिलती है और आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही सही है। और दोस्तों जो इसकी नंबर प्लेट हाउसिंग है उसके साइड में आपको बॉर्डर सा मिलता है, ऐसे मोटा सा पट्टी सी, जिसमें आपको नया वाला एम का लोगो मिलता है, और गाड़ी की लुक सही है। और
जिसका बम्पर आपको ब्लैक कलर का मिलता है, थोड़ी बहुत उसमें क्लैडिंग मिलती है, जिसमें आपको एक तो पतली वाली क्रोम की लाइन मिलती है जो कि जो उसके पीछे वाले रिफ्लेक्टर है उसके आसपास जाके कर्व होती है, और बाकी जो गाड़ी की लुक्स है काफी सही है, काफी एक्सेप्शनल है, और मेरे ख्याल से फ्रंट से इस गाड़ी को एकदम टॉप नॉच मार्क्स मिल रहे हैं। पर भाई पीछे थोड़ी इसकी कॉन्ट्रोवर्शियल लुक्स है, और महिंद्रा के साथ भाई ये प्रॉब्लम है क्योंकि जो इनकी एक्सयूवी 700 है उसकी लुक्स भी भाई पीछे से थोड़ी कबाड़ा है, सामने से बहुत ही मस्त है। और मस्त भाई आप सब भी हो, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि भाइयों जाके सब्सक्राइब कर लेना, हमारे 6,25,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 6,90,000 का एम है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका बहुत ही धन्यवाद होगा, और आप भी थोड़ा योगदान कर पाएंगे हमारी कम्युनिटी में और हमारी कम्युनिटी के एक रियल मेंबर बन जाएंगे। और दोस्तों ये इस गाड़ी का ब्लैक कलर है, ये इस गाड़ी का ग्रीन कलर है, ये इस गाड़ी का व्हाइट कलर है, और ये इस गाड़ी का रेड कलर है, और जो मेरा फेवरेट है वो तो है भाई ब्लैक, और इसका जो मिलिट्री ग्रीन है वो भाई मेरे ख्याल से बेस्ट है मिलिट्री ग्रीन, क्योंकि जो गाड़ी काफी ऐसे उभर के आ रही है उसकी लाइंस वगैरह, और काफी यूनिक भी लग रही है, और मेरे ख्याल से जो ये दोनों कलर्स हैं इन दोनों में काफी इंटेंस बुकिंग रहने वाली है। फिर दोस्तों अगर आप इस गाड़ी में गृह प्रवेश करते हैं, मतलब इस गाड़ी के इंटीरियर में आते हैं, तो वो आपको काफी सही मिलता है, और अगर आप कंपेयर करें पहले वाली स्कॉर्पियो से तो बहुत ही लीप सपाट है, जिसमें आपको डुअल टोन फिनिश मिलती है जो कि ब्राउन का और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, जिसमें अगर आप देखें तो डैशबोर्ड में आपको ऊपर वाली साइड पूरी ब्लैक मिलती है प्लास्टिक की, और जो सामने वाली साइड है उसमें आपको ब्राउन लेदर मिलता है, जिसमें आपको व्हाइट स्टिचिंग मिलती है जो कि बहुत ही कूल लगता है। साथ ही में अगर आप इसके एसी वेंट्स देखें तो उसके पूरे सराउंड में आपको सिल्वर फिनिश मिलती है, और जो उसका डैशबोर्ड है उसमें आपको 8 इंच की स्क्रीन मिलती है, और जो स्क्रीन है उसके साइड में आपको एसी वेंट्स मिलते हैं ताकि जो स्क्रीन है ठंडी रहे। जोक्स का लेवल थोड़ा गिरता जा रहा है, सॉरी उसके लिए। और जो इस गाड़ी की स्क्रीन है उसके नीचे आपको कंट्रोल मिलते हैं स्क्रीन के, और उसके नीचे आपको एसी वाले कंट्रोल मिलते हैं, और उसके नीचे आपको गाड़ी के थोड़े बहुत कंट्रोल मिलते हैं। और दोस्तों फिर अगर आप आते हैं इस गाड़ी के राइट साइड में तो आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है ऑब्वियसली, जो कि वैसे ही है जैसे आपको एक्सयूवी 700 में मिलता है, जिसमें आपको सेम कंट्रोल्स मिलते हैं, आपको सेम लेआउट मिलता है। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको 7 इंच की बीच में स्क्रीन मिलती है जैसे आपको एक्सयूवी 700 के बेस मॉडल में मिलती है, जिसमें आपकी गाड़ी के सारे कंट्रोल आने वाले हैं, और मेरे ख्याल से काफी सही है, एडिक्वेट है। जिसके दरवाजे मुझे बहुत ही पसंद है, जिसमें आपको इतना बड़ा वाला ग्रैप हैंडल मिलता है जो कि ग्रे कलर का है, और इससे भाई एकदम ऐसे माचो बड़ी वाली एसयूवी वाली फील आती है जैसे आपको लैंड क्रूजर में मिलती है, इतने बड़े बड़े डोर हैंडल। और साथ ही में जहाँ पे इसके विंडो कंट्रोल है वहाँ पे आपको ब्लैक ग्लॉसी फिनिश मिलती है जो कि सही लगती है। अगर आप इसका सेंटर कंसोल देखें तो उसमें आपको सामने गियर लीवर मिलता है जो कि नॉर्मल है, और पीछे उसके आपको जो इसका 4 एक्सप्लोर वाला मोड है उसका आपको नॉब मिलता है, और वो जो नॉब अगर आप देखें तो उसमें आपको वैसी एग्जैक्टली लुक्स मिलती है जैसे आपको एक्सयूवी 700 का जो उसका टच स्क्रीन का नॉब है उसमें आपको मिलती है, एग्जैक्टली आपको सेम फिनिश मिलती है, और जो बटन का लेआउट है वो भी आपको सेम मिलता है, बस इसमें आपको ऊपर 4 डिफरेंट और कंट्रोल मिलते हैं, और उसमें आपको 2 ही मिलते हैं जो कि उसके स्क्रीन के होते हैं। जिस गाड़ी की सीट है आपको बढ़िया मिलती है, मोटी मोटी मिलती है जो कि थोड़ी और अपराइट है अगर आप एक्सयूवी 700 से कंपेयर करें, और पीछे आपको बढ़िया मोटी लेदर वाली सीटें मिलती है, और ये इसका 7 सीटर वाला फॉर्मेट है, और ये इसका 6 सीटर वाला फॉर्मेट है, और जो इसकी थर्ड रो है उसमें आपको काफी ऐसी मोटी मोटी सीटें लग रही है जैसे काफी गद्दे वाली है, और इसमें लेकिन कमी है कि जो इसकी थर्ड रो ऑफ सीट है उसमें आपको जो सीट्स है उसका सिंगल एक पैनल मिलता है एज कम्पेयर टू एक्सयूवी 700 जिसमें आपको डुअल सेपरेट सीट्स मिलती है, तो इसमें अगर आपको बंद करनी है आपको पूरी करनी पड़ेगी, आप ऐसे आधी नहीं कर सकते। छत में इस गाड़ी में आपको काफी बड़ी वाली सनरूफ मिलती है जो कि मेरे ख्याल से काफी कुछ सही है, क्योंकि ये गाड़ी आप कंपेयर कर रही है टोयोटा फॉर्च्यूनर से, और फॉर्च्यूनर में तो दूर दूर तक सनरूफ नहीं आती लेकिन इस गाड़ी में आपको मिल रही है। और बाकी यही था दोस्तों आज की वीडियो में, इस वाली वीडियो में मैंने शक्ल रखी नहीं ताकि आप जो स्कॉर्पियो है उसका पूरा एकदम इंटैक्ट एक्सपीरियंस कर पाए, और इसलिए भी नहीं रखी क्योंकि मैं नहाया नहीं था तो इसलिए थोड़ी आलस आ रही थी।